5 दिन ऑफिस का काम करने के बाद फाइनली 2 दिन की छुट्टी मिली है। वही 2 दिन का आज पहला दिन है। क्या है ना, लाइफ में हर किसी का अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, अलग अलग दुख होते हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी अलग अलग होते हैं। यही सब में हम उलझ के अपना जो जिंदगी है ना उसे जीना ही भूल जाते हैं। मेरा कहना है जिंदगी छोटी सी तो है, इसे जिए। जब भी मौका मिले घर से बाहर आइए, थोड़ा बाहर घूमिए, नई जगह नए लोगों से मिलिए और अपना जो जिंदगी है उसे सही में जीने की कोशिश कीजिए। वैसे अभी गणेश जी का पूजा चल रहा है, हर जगह खुशी का माहौल है और आज हम लोग जा रहे हैं खैरताबाद, जहाँ पे हर साल चतुर्थी में गणेश जी का सबसे बड़ा मूर्ति बनाया जाता है, पूजा किया जाता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे बिरला टेंपल, जो कि खुद में ही एक फेमस लोकेशन है। ये मंदिर पूरा वाइट मार्बल से बनाया गया है, जो कि देखने में बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत है। और आखिर में हम लोग जाएंगे लुम्बिनी पार्क, जहां आपको देखने को मिलेगा वहां का सबसे खास 58 फीट का बुद्धा स्टेचू, जो कि बहुत ही प्यारा है। तो देखते रहिए एडिस ब्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये हम अभी पहुंच चुके हैं खैरताबाद के उस जगह पे जहां पे गणेश जी का सबसे बड़ा मूर्ति बनाया गया है और यहां पे आप देख सकते हैं बहुत भीड़ जमी हुई है। हम कोशिश करेंगे कि आपको वहां का जो मूर्ति है सामने से दिखाएं, पर मुझे नहीं लग रहा यहां पे जिस तरह से भीड़ जमा हुआ है मुझे सामने जाने का टाइम होगा, पर फिर भी एक कोशिश तो बनता है। यहां पे देखिए कैसे लोग आए हुए हैं और यहां का लाइन कितनी लंबी है। एक बार यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा जितना दूर तक दिख रहा है वहाँ तक पूरा लाइन ही है। अगर इस लाइन से हम लोग जाएंगे तो यहीं पे रात हो जाएगी। Thank you.
200 बोला था पहले, फिर एक 180 बोला और मेरे को बस 80 रुपया बोला, दोनों के दोनों लोकल दिखता है ना भाई, क्या बोलता हूँ। क्या बोलना है बोलो, कैसा लगा स्टैचू देख के, कैसा लगा हैदराबाद का सबसे बड़ा गणेश? सबसे बड़ा वाला गणेश स्टैचू देखा फर्स्ट टाइम हैदराबाद में और मैं थक गई। पता है वो स्टैचू ना गणेश चतुर्थी में जो गणेश का पूजा होता है ना, हैदराबाद एरिया का सबसे बड़ा स्टैचू वही था, पर वहाँ पे इतना भीड़ था कि हम लोग जा नहीं पाए, देखा दूर से देखा, पर सामने से जाके देखना होता तो फिर रात हो जाता उधर ही। और हम लोग अभी आ गए हैं बिरला टेंपल, ये आगे यहाँ पे अलाउ नहीं है कैमरामैन, यहाँ पे अंदर अलाउड नहीं है, अंदर हम कैमरा लेके वीडियो नहीं कर सकते हैं, पर यहाँ पे कर सकते हैं है ना। तो ये है बिरला टेंपल, जो कि पूरे के पूरे टेंपल व्हाइट मार्बल पत्थर से बनाया गया है। ये एक हिंदू टेंपल है और इसे बिरला फाउंडेशन ने बनाया है। इस मंदिर को बनाने के लिए पूरे 10 साल लगे थे और इस मंदिर में मुख्य रूप से वेंकटेश्वर जी का पूजा की जाती है, जो कि विष्णु का ही अन्याय का अवतार है। लॉर्ड वेंकटेश्वरा के साथ साथ इस मंदिर में और भी देव देवियों की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी।
ये है बिरला टेंपल और अंदर यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, पर बाहर यहाँ से हम वीडियो ले सकते हैं थोड़ा बहुत। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बिरला टेंपल है जो कि पूरा के पूरा टेंपल मार्बल स्टोन से ही बनाया गया है और ये खुद एक पत्थर के टीला के ऊपर मंदिर बनाया गया है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कैमरा फ्लिप करके। तो ये है यहाँ का बाहर से यहाँ का सीन। ये है बिरला टेंपल और यहाँ पे उधर आप आते हैं तो वहाँ पे आप चप्पल जूता मोबाइल वोबाइल सब रखना पड़ता है एंट्री पे। अंदर मोबाइल कैमरा कुछ अलाउड नहीं है, फोटो भी ले नहीं सकते अंदर। और ये जो है मंदिर का फ्रंट में ही है ये स्टोर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देव देवियों का स्टैचू वगैरह है और कुछ ज्वेलरी भी यहाँ पे है। ये बुद्ध का स्टैचू बहुत ही प्यारा। अभी टाइम हो रहा है 7:10 और हम लोग अभी है बिरला टेंपल में। यहाँ से हम निकल के जाएंगे टैंक बंड। तो ये है लुम्बिनी पार्क जो कि बहुत ही फेमस और सुंदर लोकेशन है। तो चलिए इसके अंदर आपको लेके चलते हैं। लुम्बिनी पार्क के अंदर ही एशिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक हुसैन सागर लेक है और हुसैन सागर लेक के बीचों बीच भगवान बुद्ध का बड़ा सा स्टैचू है जिसे देखकर आप खुद ही रिलैक्स फील करेंगे। बोला मैं भी जाऊंगा। हाँ, भी जाएगा। ये हमारा बोट आ गया है, मैकेनाइज्ड बोट शायद यही है शायद। और दूसरा कहाँ यही आया, मतलब यही जाएगा ना। सिंगल सिंगल जाइए। लाइनों में तो वालों पर से जुप्पे कर रहा।
ये हम लोग अभी बोट में आ गए हैं। हो 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 हो। एक घंटा डीजे वाला बोट, आधा घंटा पूरा डांस कर रहा है। अच्छा डांस दिखाता है वहां पे। वो देखो वहां पे रामचरण और एनटीआर नाच रहे हैं। ये जो गौतम बुद्ध का स्टेच्यू है, इसे एक ही बड़ा सा पत्थर को काटकर तराशा गया है, जिसे हम जियोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मोनोलिथ कहते हैं। ये दुनिया में गौतम बुद्ध का जितने भी मोनोलिथ हैं, उनमें से सबसे ऊंची मोनोलिथ यही है, जो कि हैदराबाद के हुसैन सागर लेक के बीचों बीच है। और इसकी बेसमेंट को भी आप देख सकते हैं, कितना सुंदर स्कल्पचर डिजाइन किया गया है। यहाँ का जो लाइट सेटअप है, ना ज़्यादा ना कम, इसकी खूबसूरती रात में 2 से 4 गुना बढ़ा देती है। सही में यार, ये जो जगह है बहुत ही सुंदर और बहुत ही पीसफुल है। तो अभी यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। ये रहा पीछे बुद्ध का स्टेचू। ओनली 10 मिनट्स यहाँ पे रुका और अभी ये बोट है और हम लोग इस बोट से अभी जहाँ से आए थे वहीं जाएंगे। जहाँ से आए थे वहीं। हाँ जाओ। हाँ यही बोट लेकर हम आसम जाएंगे। खड़ा खड़ा भी जा सकते ना? खड़ा नहीं, थियो थियो जाम। थियो थियो जाम, ठीक है। थियो थियो जाम पीछे। हमें थियो थियो जाम, जोर पर इसलिए ताते जाम। है ना? भूख लगी से। बहुत ही भूख लगा है सच में।
तेलंगाना टूरिज्म। और आज की हमारी जर्नी यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली ब्लॉग पे। और हाँ, आखिर में आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक, अरे हाँ हाँ वही वही जो आप समझ रहे हैं वही कर दीजिएगा,